आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे आज फिर से, और मैं लेकर आई हूँ ये मेकअप ट्यूटोरियल लॉरियल के प्रोडक्ट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये ट्यूटोरियल। मैं शुरुआत करूँगी लॉरियल के इस डबल एसेंस 2-in-1 मॉइस्चराइज़र प्लस सीरम से, और ये एक बहुत लाइट वेट मॉइस्चराइज़र है। ये मॉइस्चराइज़र मैं काफ़ी दिनों से इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैंने अपने चेहरे पर एक बहुत नेचुरल ग्लो भी देखा है और साथ ही में एक खूबसूरत पिंक टिंज भी। लॉरियल का ये प्राइमर मैं आज पहली बार इस्तेमाल करूँगी, और ये एक बहुत छोटे से टब में आता है। थोड़ा महंगा है इस छोटे साइज़ के लिए, लेकिन स्किन पे लगाते ही बहुत ही अच्छा प्राइमर साबित हुआ ये, क्योंकि सारे पोर्स मेरे छुप गए और साथ ही में स्किन पे ये बहुत अच्छी तरह ग्लाइड हो गया। अपने बेस के लिए मैं दोनों प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करूँगी, एक है लॉरियल का 24 आवर्स इनफैलिबल फाउंडेशन और दूसरा है ग्लो हाइलाइटर। मेरी स्किन इस वक्त काफ़ी अच्छी कंडीशन में नहीं है और इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये फाउंडेशन, और साथ ही मैं उसके मिला रही हूँ एक हाइलाइटर। दोनों का मिक्सचर लगाकर अपने चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो देखना चाहती हूँ मैं, लेकिन क्या ये फाउंडेशन फुल कवरेज है या नहीं इसे इस वक्त लगाकर मैं अपने चेहरे पर टेस्ट कर रही हूँ। काफ़ी अच्छी कवरेज है इस फाउंडेशन की, कहीं कहीं पे मेरे मार्क्स भी छुप गए हैं। एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं ये फाउंडेशन अपनी स्किन में अच्छी तरह पुश कर रही हूँ। मेरी स्किन क्योंकि ऑलरेडी ड्राई है, तो कहीं कहीं पे मुझे थोड़ा सा ड्राई टेक्सचर नज़र आया, और साथ ही में कहीं पे जहाँ पर मार्क्स ज़्यादा हैं मैं उसको थोड़ा सा और कवरेज दे रही हूँ। मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का ये ट्रू मैच कंसीलर, और ये एक ड्राई टेक्सचर का कंसीलर है, जिसका मतलब है अगर आपने अपनी अंडर आइज़ को अच्छी तरह हाइड्रेट नहीं किया है तो कहीं कहीं पर आपको बहुत ड्राइनेस नज़र आएगी इस कंसीलर को लगाने के बाद। अपने फाउंडेशन को मैं सेट करूंगी लॉरियल के इस इनफैलिबल कॉम्पैक्ट पाउडर से, और साथ ही में इस पाउडर के आता है एक मिरर और एक स्पंज एप्लीकेटर। इस स्पंज एप्लीकेटर को मैं इस वक्त इस्तेमाल करूंगी अपने चेहरे पर। इस स्पंज एप्लीकेटर को मैंने बिल्कुल नहीं पसंद किया, तो मैं अब एप्लीकेशन करूंगी अपने ब्रश से, और ये प्रोडक्ट क्लेम करता है कि 16 घंटे ही आपके चेहरे को एक मैट फिनिश देता है। अब मैं अपने चेहरे को कॉन्ट्यूर करूंगी लॉरियल के इस ब्रॉन्जर से, और आप देख सकते हैं कितना नेचुरल शेड है ये, और साथ ही में बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर है इस प्रोडक्ट का। लॉरियल के न्यू लॉन्चेस में से एक प्रोडक्ट है ये ब्लश, और इनकी पैकेजिंग आप देख सकते हैं इस बार लॉरियल ने कितना ध्यान दिया है अपने न्यू लॉन्च की पैकेजिंग पर, और साथ ही में इसका कलर मुझे बहुत खूबसूरत लगा, एक बहुत ही नेचुरल पिंक है ये, और साथ में आता है एक छोटा सा एप्लीकेशन ब्रश, और उसी से मैं लगा रही हूँ अपना ब्लश। जबकि इस ब्रश से एप्लीकेशन थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मैं क्योंकि इसे ट्राई करना चाह रही थी, और साथ ही में फिर मैंने इस्तेमाल किया एक दूसरा ब्लेंडिंग ब्रश। पाउडर टेक्सचर के इतने प्रोडक्ट्स लगाने के बाद अब मैं अपने चेहरे को सेट करूँगी इस मेकअप फिक्सर से। हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल के इस ग्लो हाइलाइटर को, और ये लिक्विड टेक्सचर में आता है, और थोड़ा सा ही हाइलाइटर आप देख सकेंगे कि कितनी अच्छी शीन देता है ये मेरे चेहरे पर।
आईब्रोज़ के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का ये ब्राउ आर्टिस्ट आईब्राउ प्लम्पर। ये मैंने ट्रैवल करते वक्त अब्रॉड से लिया था। ये आईब्राउज़ को वॉल्यूम भी देता है और उन्हें बहुत नेचुरली सेट भी कर देता है। और अगर आपके पास कोई कलर नहीं है आईब्रोज़ को भरने के लिए, तो इसका आप थोड़ा सा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं अपनी आईलिड्स को प्राइम कर रही हूँ ट्रू मैच के उसी कंसीलर से और उसे सेट करूँगी लॉरियल के उसी कॉम्पैक्ट से। अपने आई शेडो के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वही ब्रॉन्जर जो मैंने अपने चेहरे पर लगाया था, उसे एक ट्रांजिशन शेड के तौर पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। लॉरियल में क्योंकि मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोई आई शेडो पैलेट्स नज़र नहीं आए, इसीलिए ये ब्रॉन्जर इस्तेमाल कर रही हूँ। और साथ ही मैं ये हाइलाइटर जो मेरी आँखों को एक अच्छा ग्लो देगा और एक आई शेडो के तौर पर मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ। लॉरियल ने लॉन्च किया है ये नया आईलाइनर जो शेड ब्राउन में है और आप इसका टिप देख सकते हैं कितना बारीक है, जिसको लगाना बहुत आसान है। इसी आईलाइनर को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अपने वाटरलाइन के नीचे आँखों को और डिफाइन करने के लिए। लॉरियल का यह एक्स फाइबर मस्कारा मेरा एक फेवरेट मस्कारा है और ये दो एंड्स के साथ आता है। एक तरफ है प्राइमर जो इस वक्त मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और अब मैं इस्तेमाल करूँगी इसका मस्कारा का एंड जो मेरी आँखों को बहुत वॉल्यूम देता है। मेरे पास है लॉरियल की ये दो लिपस्टिक्स और मैं यूज़ करूँगी ये शेड जो मेरा एक फेवरेट ऑरेंजिश ब्राउन शेड है। लॉरियल के नए लॉन्चेस में ये लिपस्टिक्स भी शामिल हैं और उन्होंने काफ़ी लाइट वेट लिप शेड्स बनाए हैं इस बार। तो ये है मेरी फाइनल लुक लॉरियल के प्रोडक्ट्स के साथ। उम्मीद करती हूँ आज का मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो।